कम से कम बता तो दिया कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है आरएसएस की तरफ से कि गजवाए हिंद हो जाएगा 1947 में, चलो रिजवान भाई ने आज मान तो लिया, बहुत ठीक है। अभी अभी पहले वो इस पर आ रहे हैं कि ये 25% हुआ और हिंदू आबादी घट गई तो क्या होगा। सुशांत रिजवान भाई आप कंप्लीट करें, अभी उनको जवाब ना दे, आप कंप्लीट करें। सुशांत हाँ हाँ बोलिए। सुशांत जरा मुंह पे डायपर बांधो इसके। क्या बोला तूने? जरा मुंह पे डायपर बांधो इसके। जय हिंद वंदे मातरम। आपने अपने ओपनिंग बाइट में ये बोला और ये मेरी भी इस पर भी मैं जितना थोड़ी बहुत स्टडी कर चुका हूँ कि 1992 में 3.3 हिंदू भाई थे और 4.4 जो थे वो मुस्लिम भाई थे। तो इसको अगर आप एक आसान भाषा में समझें तो सुनने में ये बिल्कुल हार्मलेस लगता है कि इससे किसी भी तरह का हिंदू का अहित नहीं हो सकता भैया, 3.5-4.5। लेकिन जब हम फीसदी में देखते हैं तो ये 25% ज्यादा लगभग निकल के आता है 1992 में। अब जब हम 2021 में आ जाते हैं तो हिंदू भी का जो फर्टिलिटी रेट है वो घटा है, मुसलमानों का भी घटा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदू आया है 1.90 और मुस्लिम आया है 2.35। तो लगभग अगर आप 1992 से 2022 की बात करें तो इस 30 साल में जो पैटर्न है वो सेम है, 3.3, 4.4, 1.9, 2.4। पैटर्न से मेरा मतलब है 25% लगभग 25% मुस्लिम आबादी का फर्टिलिटी रेशियो ज्यादा चल रहा है। अब तो ये और सुनने में बड़ा ही हार्मलेस लगता है कि अरे यार 1. जहां हिंदू का 1.94 बच्चा हो रहा है वहां मुस्लिम का 2.3 हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, जब आप इसको ओवर अ पीरियड ऑफ अभी फिलहाल 25 ईयर्स देखेंगे और स्टडी ये चेंज भी हो सकती है, हो सकता है हिंदू का 1.94 से घटकर बढ़कर 2.2 हो जाए, कहिए मुसलमान का भी घट जाए, इस पे मैं कोई कमनल कमेंट नहीं करना चाहता, ठीक, क्योंकि बड़ा एजुकेटिव सब्जेक्ट है ये। तो अगर हम इसी को परमानेंट मान लें, फिक्स्ड मान लें, जैसे हम पीएचडी में जब कुछ एक रिसर्च करते हैं तो कुछ वेरिएबल्स को हम कॉन्स्टेंट मानते हैं, तो अगर हम इसको कॉन्स्टेंट मान लें तो मेरे हिसाब से आज से 25 साल बाद मुस्लिम आबादी 15 या 16% से बढ़ के जो आज है वो 25% हो जाएगी। रुको जरा, ये बेकार की बात है कि 50 साल में हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएगा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात के कहने के लिए, आज तुमने सच तो बोल दिया। 25 साल में मुस्लिम आबादी आप पहले कंप्लीट कर लें, वो जा किधर रहा है। आज कम से कम इन्होंने सच तो बोल दिया, कम से कम बता तो दिया कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है आरएसएस की तरफ से कि गजवाए हिंद हो जाएगा 1947 में, चलो रिजवान भाई ने आज मान तो लिया, बहुत ठीक है। अभी अभी पहले वो इस पर आ रहे हैं कि ये 25% हुआ और हिंदू आबादी घट गई तो क्या होगा। सुशांत रिजवान भाई आप कंप्लीट करें, अभी उनको जवाब ना दे, आप कंप्लीट करें। सुशांत हाँ हाँ बोलिए। सुशांत जरा मुंह पे डायपर बांधो इसके। हाँ सुनो। क्या बोला तूने? जरा मुंह पे डायपर बांधो इसके। तो मेरे भाई ये जो 25% का फर्क है, ये 25 साल बाद मुस्लिम आबादी 25% हो चुकी होगी, लेकिन जब एवरेज आबादी 25% होगी तो कहीं कहीं, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह 25 हो, कहीं कहीं 18 भी होगी, बहुत सी जगहों में 35 होगी, 40 होगी, 50 भी होगी, बहुत सी पॉकेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में। उससे क्या होगा? वहां जाके आपको ये गर्मी का एहसास होगा। हाँ बता रहा हूं ना, वहां जाके आपको ये गर्मी, अभी नहीं, अभी नहीं, 25 साल बाद आपको जाके उस गर्माहट का एहसास होगा कि अब हम एक ऐसे स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पॉलिटिकली मुसलमान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, हिंदू का घटता जा रहा है, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, और इसका जो असर 25 साल बाद आपको दिखना शुरू होगा, आने वाले 40 साल में अब वो तलवारें नहीं चलेंगी, वो बम गोले नहीं चलेंगे, मेरे हिसाब से वो जमाना चला गया। पॉलिटिकली संविधान के अंदर, अरे चलो बस हो गया सुशांत जी, क्या उम्र खान भी संविधान के अंदर, ठीक है अब वो समझा रहे हैं, आपको भी मौका दूंगा। नहीं नहीं, अब ये आप ये बताएंगे, कौन होते हैं बताने वाले? 25 साल बाद ये हो जाएगा, 50 साल बाद ये हो जाएगा, मेहरुद्दीन अंग्रेज, नहीं ये कौन होते हैं बताने वाले? अरे भाई जैसे आप अभी आप बताएंगे तो वो पलट गएंगे, आप कौन होते हैं बताने वाले? ये नहीं होगा, ये तो देश का, अरे भाई मैंने बुलाया ना, आप मत तय कीजिए। एक मिनट अंग्रेज भाई, एक मिनट रुकिए, इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमान, बात है सारी चीजों पे बात, ओके